लखीमपुर खीरी में बहमुख समाज का दावा करने वाली पुलिस को बदमाश चुनौती दे रहे हैं। दरअसल देर शाम 6:30 बजे सदर कोतवाली क्षेत्र के देवकली रोड स्थित एक पटाखा व्यापारी की दुकान में घुसकर करीब 5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें पटाखा व्यापारी के साथ एक वर्कर को गोली लग गई। दोनों घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि देवकली रोड स्थित राजू पटाखा वाले की दुकान में करीब 5 बदमाश घुसे और फायरिंग करने लगे, जिसमें पटाखा व्यापारी राजू को गोली लगी। वहीं दुकान के बाहर काम कर रहे वर्कर बादशाह को भी गोली लग गई। आपको बता दें कि दीपावली में राजू पटाखा व्यापारी से पटाखा रंगदारी मांगने पर विवाद हुआ था। छन्नू नामक बदमाश ने गोली मारने की धमकी दी थी। बदमाश फायरिंग करने के बाद दुकान से भाग निकले। आनंद फानन में दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस पर जिला अस्पताल में सदर कोतवाली समेत भारी पुलिस बल पहुंचा और घायलों के बयान दर्ज किए गए। वहीं दुकान में घुसकर फायरिंग करने वाले में से एक हमलावर की पहचान हो गई है। हमलावर बदमाश का नाम छन्नू बताया जा रहा है। भाईजान, क्या हुआ है आपके साथ में आज? आज हमारे साथ छन्नू आए थे 4 साथियों के साथ और गोली मार दी। किसको किसको मारी? हमको मारी, हमारे भांजे को। क्या विवाद था? विवाद ये था, 12-15 हजार के पटाखे लिए थे दिवाली में, 2000 रुपए दे रहे थे तो हमने पटाखे दिए नहीं थे। जी जी जी। तो कहा कि गोली मार देंगे, तो आज गोली मार दी। जी, पटाखों का विवाद था। पटाखों का विवाद।